अत्यैव मे विशतु मानस राज हंसः समये कफवात पित्तये कंठावदो धनविधौ स्मरण कुत बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की गिरिराज धरण की द्वारिका श्रीबाल कृष्ण लाल की श्री बांके विहार लाल की श्री सरकार की जगदम्बे मात की उमापति महादेव की श्री हनुमान जी महाराज की सद्गुरु देव की जय जय मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम
मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम
बन पाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वैसा बन पाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वैसा
छम बारिश है, हर आओ प्यारे सतगुर हर बूंद सिफारिश है, हर आओ प्यारे सतगुर हर बूंद सिफारिश है। छम 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 बारिश है, घर आओ प्यारे सतगुर हर बूंद सिफारिश है। ये मेरी अर्जी है, ये तेरी मर्जी है। हरि बोल। इतना प्यारा है वो, इतना प्यारा है मेरा सतगुरु, इतना प्यारा है मेरा सतगुरु, इतना प्यारा है। चांद कहे उससे तू चांद हमारा, जो तेरी मर्जी है। हरि बोल। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, अब और
और नमन भटके, अब और नमन भटके। मैं अखियां रख आई सतगुरु की चौखट पे, सदगुरु की चौखट पे। ये मेरी अर्जी है, ये मैं तेरा बन पाऊं, तेरी मैं वैसा बन पाऊं
पर लाचारी है, बाहर लाचारी है। खेल प्यारे का भीतर तो जारी है, खेल प्यारे का भीतर तो जारी है, खेल प्यारे का भीतर तो जारी है, खेल प्यारे का भीतर तो सतगुरु बड़ा कृपालु है, सतगुरु बड़ा कृपालु है, सतगुरु बड़ा कृपालु है, सतगुरु बड़ा कृपालु है। उसकी खुशबू से खुशबू में खुशबू है, उसकी खुशबू से खुशबू में खुशबू है, उसकी खुशबू है खुशबू में खुशबू है। ये मेरी अर्जी है, मैं वैसा बन पाऊं जब शाम न जाएगा, मीरा नाचेगी जब शाम न जाएगा, मीरा नाचेगी जब शाम न जाएगा, मीरा नाचेगी जब शाम न जाएगा। ये मेरी अर्जी है,
सिर धड़की बाजी है, सिर धड़की बाजी है, सिर धड़की बाजी है, सिर धड़की बाजी है। कोई माने या ना माने मेरा सतगुरु राजी है, कोई माने या ना माने मेरा सतगुरु राजी है। सिर धड़की बाजी है, सिर धड़की बाजी है, कोई माने या ना माने मेरा सतगुरु राजी है, कोई माने या ना माने मेरा सतगुरु राजी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी, मैं वैसा बन पाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसा बन पाऊं तेरी मर्जी है, मैं वैसा बन पाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसा बन पाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, मैं वैसा बन पाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसा जो तेरी मर्जी है, बस।
बन जा जो तेरी दिल में समा जाए, मेरे दिल में समा जाए, अविद्या मिट जाती, मन भी मेरा खुल जाए, अविद्या मिट जाती, मन भी मेरा देव परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्मा स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनिता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा स्वीकार कीजिएगा। दिव्य शक्ति पीठ इंदौर के इस अति रमणीय दिव्य प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा के तदुपरांत दो दिवसीय प्रवास के अंतर्गत भारत की छठी यात्रा में आज सत्संग की घड़ियां इस पावन पुनीत परिसर में अहेतु की ईश्वरीय कृपा से प्राप्त हो रही हैं। व्यासपीठ आप सभी गणमान्य बंधुओं भक्तिमती माताओं धर्मनिष्ठ सज्जनों पिपासु रसिक एवं मुमुक्षु जिज्ञासुगणों का हार्दिक अभिनंदन अभिवादन और सत्कार सहित वंदन करती हैं। स्वीकार कीजिएगा। ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन पाऊं जो तेरी मर्जी है। जीवन में यही तो हम नहीं कर पा रहे। यदि इतना ही हम कर लें, उसकी आज्ञा के अंतर्गत मन मुख्ता त्याग कर गुरु मुख्ता का अनुसरण और अनुकरण कर लें, तो अध्यात्म पथ की बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाएं। अध्यात्म पथ में मनमुखता का परित्याग और केवल गुरुमुखता का स्वीकार है, और यही जीव आजीवन नहीं कर पाता। मनमुखता में गुरुमुखता के अभाव में सिद्धांतों से पतित होकर वे भ्रमों में भटकता फिरता, अज्ञता में अज्ञान में जीव उलझा हुआ। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि इस ग्रंथि का तू भेदन कर दे, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी, तो
तो तेरे जीवन में अनंत अनंत ओज तेज प्रकाश तुझे भीतर से प्राप्त हो जाए। बंधुओं, एक बड़ी सुंदर कथा आती है। हमारे यहां वृंदावन में अष्टछापी संतों की परंपरा रही। पुरातन काल में एक छोटा सा प्रांत था जिसका नाम था टीकमगढ़, और जो टीकमगढ़ नाम का प्रांत था इसके एक आमात्य थे, इनका नाम था व्यासदेव। और जो व्यासदेव जी थे ये एक प्रकार से बड़े ही नास्तिक व्यक्ति, और अपनी नास्तिकता में इन्होंने कभी कोई अपने हार्द को छुपाया नहीं, उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति की। खुद तो थे ही और दूसरों को भी बनाते। भगवान गीता जी में कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपनी बीमारी अपने तक नहीं रखते, दूसरों में भी फैला देते, अपना संशय अपने में नहीं रखते, दूसरों में भी संशय की उत्पत्ति कर देते हैं। व्यासदेव उनमें से ही कुछ ऐसे व्यक्ति। और महाराज, इत्तेफाक हुआ, ये टीकमगढ़ के आमात्य व्यासदेव श्री वृंदावन धाम में बांके बिहारी लाल का दर्शन करने के लिए गए। ये जो वृंदावन में बांके बिहारी बैठे हैं ना, इनकी एक बड़ी सुंदर विशेषता है। इनका सौंदर्य, इनकी अनुपमता, इनकी रूप माधुरी इतनी परिपूर्ण है कि उसके लिए आस्तिक नास्तिक होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी मोह लेती है। मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गए वो हो गए भव से पार। महाराज, टीकमगढ़ के आमात्य किसी के कहने पर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए श्री वृंदावन धाम में आए, और वहां आकर जब बांके बिहारी से नेत्र मिलाने की बारी आई तो पहले तो वहां पर्दा चलता रहता, क्योंकि तुम्हारे नेत्र बिहारी के साथ चार न हो जाएं। ये तो कभी कभी भक्त के इतना अधीन होकर उसके साथ ही चल पड़ता है, इसलिए माया का पर्दा चलाते हैं, किसी की आंख ना लड़े। महाराज बांके बिहारी के मंदिर में आए, परिसर में आए, बिहारी जी का दर्शन हुआ, और ऐसा दर्शन हुआ कि पहली बार में 2, 4, 10, 15, 20 बार की बात नहीं थी, पहली बार में ही ठाकुर जी से अनंत प्रेम उत्पन्न हुआ। मन एकदम परिवर्तित हो गया, नास्तिकता तो भूल ही गए। नास्तिकता को तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, संशय आने की तो बात ही उत्पन्न नहीं होती। बिहारी जी के स्वरूप को देखकर एकदम विमुक्त हुए, मोहित हो गए। कितने मोहित हुए, वापस घर ही नहीं गए। मन में आया, यदि इसका दर्शन करना ही जीवन का साफल्य है तो फिर यहीं रहकर आजीवन दर्शन पाए ना, यही जीवन की सफलता है, तो फिर जीवन को बर्बाद क्यों किया जाए। बिहारी जी के दर्शन की मनोकामना उत्पन्न हो गई, नास्तिकता तो खत्म हो गई महाराज, संशय तो मिट गए, अविद्या मिट गई, और महाराज तल्लीन हो गए बस छवि देखने के लिए। दर्शनम तवलोकस्य सर्वथा अघहरिम परम, जो दर्शन करते हैं उनके अघों का नाश होता है, उनके नेत्रों से, जिन नेत्रों से हम सारा दिन विकार देखते हैं, जो नेत्र वासना की आपूर्ति करते हैं, जो वासना को की बढ़ोतरी करने वाले हैं, इन नेत्रों से बिहारी का दीदार हो जाए तो ये रोग कटना शुरू हो जाए। इन आंखों में उसकी छवि बस जाए तो वासनाएं मंद पड़ने लग जाए, विकार शांत हो जाए,
और महाराज टीकमगढ़ के आमात्य व्यासदेव रोज बिहारी जी का दर्शन करने आते हैं। धीरे धीरे सोचने लगे, दो चार दिन में चला जाऊंगा, दो चार दिन बाद सोचने लगे, सप्ताह भर रुकता हूं, सप्ताह भर रुकने के बाद सोचने लगे, महीना भर, महीना भर सोचने के बाद सोचने लगे, छह महीने बाद साल। महाराज बढ़ते बढ़ते बात यहां तक आ गई, दो साल हो गए घर लौटे ही नहीं, पीछे सबको चिंता होने लगी, कहां चला गया, अचानक निकला है। सुना था किसी के साथ वृंदावन बिहारी का दर्शन करने के लिए गया है, इतनी देर तो वहां नहीं रहेगा, ये तो नास्तिक है, ये तो अविश्वासी है, ये तो संशय से ग्रस्त है। महाराज सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। जो टीकमगढ़ के राजा थे अपने आमात्य पर बड़ी निर्भरता थी उनकी, बहुत निर्भरता, और राजा भी असहाय सा अनुभव करने लगे। महाराज राजा ने भी आदेश पारित किया, किसी भी तरह व्यासदेव को ढूंढ कर लाओ, कोई व्यक्ति वृंदावन धाम में दर्शन करने के लिए गया तो क्या देखा, वृंदावन के बिहारी जी के मंदिर के जो छोटे छोटे चार तरफ गलियारे हैं, उनके अंदर उन्मत्त दशा में व्यासदेव बिहारी जी का दर्शन करके उन्मत्त भावों में तल्लीन है। केश दाढ़ी बढ़ी हुई, पहचाना बड़ी कठिनाई से। उनके पास जाकर कहा, आप व्यासदेव हैं? व्यासदेव पहले तो भागने लगे, हाथ पकड़ के सज्जन ने कहा, सच बताइए आप व्यासदेव हैं कि नहीं, बिहारी जी के मंदिर में असत्य नहीं बोलना। व्यासदेव पकड़े गए और कहने लगे, हाँ तुमने मुझे सही पहचाना, मैं ही व्यासदेव हूं। बोले, महाराज आपको आपका परिवार ढूंढ रहा है, आपके बच्चे ढूंढ रहे हैं, आपकी पत्नी ढूंढ रही है। टीकमगढ़ के सम्राट राजा भूप आपकी तलाश में हैं, आप कहां रह गए? बोले, जाकर उनको कह दो अब ये संसार, अब ये युग और न भाता है, अब केवल उसके दर्शन की, उसकी एक झांकी प्राप्त करने की इच्छा अवशेष है। महाराज व्यक्ति वापस लौटा, घर वालों को समाचार दिया, राजा को समाचार दिया, सबके अंतर चित्त में खुशी की लहर दौड़ उठी कि व्यासदेव मिल गए। ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन पाऊं जो तेरी मर्जी है। ये टीकमगढ़ के आमात्य बिहारी जी से नेत्र मिले और भक्ति प्रविष्ट हो गई। नेत्र मिलने मात्र की ही देरी थी, भक्ति का अभ्युदय हुआ। महाराज सब मनाने के लिए आए, व्यासदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया, मैं वापस नहीं लौटूंगा। बड़ी कटुता उत्पन्न हुई, सबने पुनः पुनः यत्न किए और वापस लौटे तो टीकमगढ़ के राजा ने पूछा, कहां है व्यासदेव, क्यों नहीं आया? बोले, महाराज उसने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। राजा ने कहा, हम स्वयं जाएंगे। टीकमगढ़ के राजा स्वयं व्यासदेव को लेने के लिए गए वृंदावन धाम, और जब श्री वृंदावन धाम में पहुंचे, टीकमगढ़ के राजा देखा व्यासदेव उन्मत्त भावों में, आंतरिक शुद्धि अपने में संजोए हुए, भगवान के भजन में सर्वथा तल्लीन है, कोई सुधि नहीं। महाराज जाकर उनको पकड़ा, छुआ तो दंग रह गए, देखा कि टीकमगढ़ के राजा सामने खड़े। बोले, महाराज आपने ये कष्ट क्यों उठाया? बोले, क्योंकि तुम नहीं आ रहे थे, मुझे तुम्हारे लिए आना पड़ा। व्यासदेव कहते हैं, महाराज क्षमा करिए, मैं घर वालों को भी कह चुका हूं और आपको भी प्रार्थना करूंगा कि मुझे श्री वृंदावन धाम से अलग न करें, ये धाम मेरा प्राण बन गया है।
राजा कहते हैं, सुनो व्यासदेव, तुमने बहुत देर बड़ी निष्ठापूर्वक हमारे साम्राज्य की सेवा की है, तुम्हारे जैसे कर्मठ सेवक और नहीं मिलते, तुम्हारी भाव भक्ति को देखकर हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। और वरदान यह है कि बिल्कुल ऐसा बिहारी जी का मंदिर और बिल्कुल हूबहू ऐसा विग्रह हम टीकमगढ़ में स्थापित करेंगे, सिर्फ तुम्हारी भक्ति के लिए, ताकि तुम्हें टीकमगढ़ में रहके ही बिहारी जी के दर्शन होते रहे, तुम्हें यतकिंचित ये भाव उत्पन्न न हो कि तुम वृंदावन धाम में नहीं हो। महाराज राजा थे और इतना बड़ा आश्वासन दे रहे थे, कोई छोटा आश्वासन नहीं था, हूबहू ऐसा ही मंदिर, हूबहू ऐसा ही विग्रह। महाराज व्यास देव जी को मजबूरी में राजा को हां कहनी पड़ी, और मजबूरी में हां करके राजा को मन ही मन सोचते जा रहे हैं, प्राण विसर्जित हो रहे हैं, ये मैंने क्या वचन दे दिया। एक राजा के प्रभाव में आकर भगवान का प्रभाव कम हो गया, ये मैंने क्या वचन दे दिया। प्राण विसर्जित होने को आए और बार बार मन से प्रार्थना करें, हे प्रभु किसी तरह मेरी रक्षा कर, मैं तेरे चरणों से दूर न हो जाऊं, और वो तू ही कर सकता है, मेरी औकात मेरी बिसात नहीं, मैं ऐसा बन पाऊं जो तेरी मर्जी है वो तुझे बनाना पड़ेगा। बाहर लाचारी है, खेल प्यारे का भीतर तो जारी है, ये तो लाचारी बाहर की है, अंदर तो उसका नृत्य चल ही रहा है, मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा। महाराज एक रात का अंतर था, राजा ने कहा हे आमात्य कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा और तुम्हें मेरे साथ चलना है। व्यासदेव जी ने कहा बस एक कृपा करना, बिहारी जी की मध्यान्ह आरती के बाद ही मैं आपके साथ चलूंगा। इधर राजा तो चले गए विश्राम करने, और व्यासदेव जी सारी रात रुदन करते रहे, रोते रहे, बड़ी मुश्किल से तेरे चरणों की सेवा मिली और मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, कृपा कर कोई ऐसा संयोग बना कि मुझे जाना ना पड़े। सारी रात ये निरंतर भाव जागृत रहा, यही अंतरचित्त में भजते रहे। महाराज कहते हैं अगला दिन हुआ, मध्यान्ह आरती हुई, और जब मध्यान्ह आरती होती है ना बिहारी जी के, तो क्या करते हैं, पुरातन काल में ऐसा करते थे, अभी मुझे खबर नहीं, पुरातन काल में ऐसा करते थे, जो प्रांगण है बिहारी जी के बाहर उसमें पत्तले लगाकर जो भगवान को राजभोग लगता, कढ़ी चावल का भोग, वो वहीं बिठाकर सामने खिलाया जाता, सब वहीं बैठकर प्रसादी पाते, और फिर पट खुलने से पहले सारी सफाई करके स्वच्छ करके प्रांगण को बिहारी जी के दर्शन के लिए तैयार कर दिया जाता। महाराज राजा लेट हो गए और आरती हो चुकी थी और लोग पत्तलों में भोजन जिमकर कढ़ी चावल का प्रसाद पाकर, ठाकुर जी का अति प्रिय राजभोग प्रसादी है उसे पाकर वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, मंदिर के सफाई के कर्मचारी आकर परिसर की सफाई करने की पूरी तैयारी में थे, और महाराज इधर व्यासदेव भी राजा के कारण विलंब हो गया, आरती देख कर गए, राजा को ढूंढते ढूंढते तो प्रसादी छूट गई, और संयोग देखो
मनमनहा भव मदभक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायणः। और महाराज ये संयोग देखिए कैसा दिव्य और अद्भुत संयोग बना। इधर ये आरती करके वापस लौट रहे हैं प्रसादी पाने के लिए राजा को ढूंढकर, और राजा इनको ढूंढता हुआ आ रहा है, और सारी प्रसादी वितरित हो चुकी है। जूठी पत्तले भंगिन महिलाएं उठा रही हैं। और महाराज इधर से राजा अंदर प्रवेश कर रहा है, क्योंकि प्रसादी छूट गई थी और भगवान की महाप्रसादी लग चुकी है, उनका उचिष्ट, उनका अवशिष्ट, उनका बचा हुआ यहां पर प्रसाद में पड़ा था। महाराज भंगिन के हाथों से झूठी पत्तल के अंदर एक कढ़ी के अंदर पकौड़ी पड़ी थी छोटी सी। व्यासदेव जी ने उसे भंगिन के हाथ से लेकर उठाया और जय बिहारी जी की कह के मुख में डालकर प्रसाद मानकर सेवन कर लिया। दूर खड़े राजा ने इस घटनाक्रम को देखा, जोर जोर से राजा चिल्लाने लगा, शूद्र कहीं का, शूद्र कहीं का, भंगिन के हाथ से, वो भी जूठी पकौड़ी, जूठी पत्तलों से, ऐसे अशुद्ध प्राणी को मैं कभी भी टीकमगढ़ लेकर ना जाऊं। और जैसे ही राजा ये बात बोलकर निकला, व्यासदेव जी नृत्य करने लगे, महाराज नाचने लगे। और जानते हो क्या अद्भुत बात कही, बोले मैंने कितने यत्न किए संसार छूट जाए, ये फिर आकर चिपक जाता था। परिवार को पाने की, छोड़ने की चेष्टा की, जो परिवार मुझे पाना चाहता है उसे मैंने छोड़ने की चेष्टा की, लेकिन फिर से ये आकर चिपक जाता, बात ना बन पाई। लेकिन जो काम एक बिहारी जी की जूठी पकौड़ी ने कर दिया, वो तो मैं किसी भी पुरुषार्थ से कदाचित न कर सकता था। वो किसी भी पुरुषार्थ से कदाचित हो न सकता था। और महाराज व्यासदेव नाचते हुए कहते हैं, अगर मुझे पता होता तेरे प्रसाद की जूठी पकौड़ी संसार इतनी जल्दी छुड़वा देती और हटा देती है, तो आज नहीं, आज से 202 साल पहले मैं 200 पकौड़ियां खा के इस संसार को छोड़ने का यत्न करके तेरे चरणों का दास बन के सदा वृंदावन में रहता, चिंताओं से विमुक्त होकर। मन मनह भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायणः। भगवान कहते हैं गीता में, अर्जुन तू विशुद्ध मन को मेरे में लगाने वाला बन, मन मनह भव मद भक्तो, और तू मेरा ही भक्त बन के मुझे प्रणाम कर, मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायणः। जिन लोगों को प्रभु की भक्ति की साख पैदा करनी है, उनको ये बड़े भाव और हृदय से अवश्यमेव गाकर अपनी प्रार्थना प्रभु को निवेदित करनी चाहिए। ये मेरी अर्जी है, गाइए, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसा बन पाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसा बन पाऊं जो
तेरी मर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। ऐसा बन पा जो तेरी मर्जी,
जो तेरी मर्जी कल तक के प्रवास में एक दिवसीय सत्संग संपन्न हुआ और इच्छा थी इंदौर के सभी साधकों और आप सभी गणमान्य बंधुओं से सत्संग के बहाने भेंट भी हो और कुछ विचार भी साझा हो और कल प्रातः महाकाल की पावन पुनीत दिव्य नगरी उज्जैनी में अवंतिकापुरी में जहां महर्षि सांदीपनि की अति विशिष्ट कृपा सर्वत्र सभी को प्राप्त हुई वहां कल प्रातःकाल भस्म आरती में महाकालेश्वर के दर्शन भगवान मंगलनाथ के दर्शन माँ हर सिद्धि मैया के दर्शन काल भैरव के दर्शन और फिर यहाँ वाले हमारे इंदौर के गणपति महाराज के विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हनुमान जी महाराज के दर्शन और हमारा अति प्रिय स्थल माँ अन्नपूर्णा के दर्शन, इन सभी दर्शनों से लाभान्वित होकर कल रात्रि ही इंदौर से प्रस्थान होगा। माँ रुक्मणी विठोबा के दर्शन करने के लिए पंढरपुर की पावन भूमि पर भगवान पंढरीनाथ विठल जी का दर्शन परसों प्रातः पाएंगे। ज्योतिर्लिंग भीमशंकर और रात्रि नासिक पहुंचकर 28 प्रातः त्र्यंबकेश्वर और फिर वरुमाल वलसाड़ होते हुए भाव भावेश्वर का मंगलमयी अभिषेक करके 29 तारीख को प्रातःकाल सिद्धि विनायक बाबुलनाथ महालक्ष्मी और अपने संन्यास आश्रम को वंदन करते हुए 1 तारीख को पंजाब पहुंचूंगा जहां फिर से 1, 2, 3 तारीख श्री स्वामी जी महाराज द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण से श्री सुंदरकांड जी का पाठ और श्रीमितवाणी जी की धारा अवगाहित होगी। 4 से 12 मार्च तक कानपुर में शिव महापुराण की मंगलमयी कथा शिवरात्रि के महापर्व पर अवगाहित होगी। 13 तारीख को श्री वृंदावन धाम में
बांकी बिहारी लाल जी के दहलीज पूजन से कुछ व्यासदेव जी जैसी विनती करेंगे। और 14 तारीख को एक दिवसीय गुजरात प्रवास पूर्ण करके 15 से 23 दिल्ली में श्रीमद् भागवत की कथा और इस प्रवास की अंतिम कथा 24 से 31 मार्च पंजाब में नाभा में होली के मांगलिक उपलक्ष पर संपन्न होगी। 1 तारीख को अप्रैल को श्री रामलला सरकार, राघवेंद्र सरकार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में उनके दर्शन करके इन नेत्रों को तृप्त करेंगे। और मुझे हर्ष है इस बात का कि प्रभु ने मुझे भी अपने युगल चरणों की सेवा सौंपी, मुझे भी वहां का ट्रस्टी घोषित किया गया श्री अयोध्या धाम का। और अतिभाव और प्रेम सहित श्री रामलला सरकार के दर्शन करके श्री रामलला का एक लघु विग्रह जो यहाँ निर्मित हुआ अमेरिका आश्रम के लिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा प्रभु के श्री विग्रह से कराकर प्रभु का मंगलमय विग्रह मैं वहां ले जाऊंगा। और आनंदा में श्री अधिष्ठान जी के निर्गुण निराकार ब्रह्म के बिल्कुल सामने सगुण साकार ब्रह्म दोनों खड़े होकर सबके नयनों को तृप्त करेंगे। 2 तारीख को अयोध्या धाम से हरि की पैड़ी हरिद्वार में गंगा आरती करके 3 प्रातः दिल्ली प्रस्थान करके माँ झंडे वाली के दर्शन करके अमेरिका लौटना होगा। तब तक के लिए जहां जहां आप सम्मिलित हो सकते हैं, सारा कार्यक्रम इसलिए पढ़ा कि जहां जहां आप संयोग बने वहां अवश्य पधारिएगा। और अतिभाव और प्रेम सहित मैं अपनी वाणी को विराम दूं और प्रार्थना करूं कि हम भी जगत छोड़ने के यत्न तो करते हैं, शायद उतनी शिद्दत से नहीं करते जितनी शिद्दत से व्यास देव ने कर दिया। लेकिन याद रखना, आजकल जूठी पकौड़ी खाओ तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आज जूठी पकौड़ी खाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शौचादि क्रिया से आज का समाज वैसे ही विहीन हो गया है। लेकिन ऐसी कामना करना, कोई ऐसा प्रसाद दे दे अपना, कोई ऐसी महाप्रसादी दे दे अपनी कि जो भव का रोग अंदर समाया हुआ है, जैसे व्यास देव से एक जूठी पकौड़ी से सारा भव रोग मिटवा दिया, हमारे अंदर भी कोई ऐसी महाप्रसादी दे के हमारा भी कल्याण कर दे हे नाथ, हमारी भी जीवन को, हमारी भी जिंदगी को सफल कर दे। ऐसी मंगल कामना परमात्मा के श्री चरणों में करते हुए मैं वाणी को विराम लूंगा। आप सभी को आपके स्थान पर प्रणाम करता हुआ ऊपर मंदिर दर्शन करने के लिए जाऊंगा। हम सब ऊपर चल के प्रभु के सन्मुख खड़े होकर उनकी आरती ऊपर करें। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे श्री हरि की आरती हम उनके सम्मुख खड़े होकर उनका दीदार करते हुए करें। यहां भी कर सकते हैं लेकिन वहां का आनंद अलौकिक है। तो बड़े भाव और प्रेम सहित, श्रद्धा सहित खजरानंद गणपति महाराज को, यहाँ के अधिष्ठात्र देव को वंदन करते हुए बड़े प्रेम और श्रद्धा सहित आप सभी को भी मैं अपने प्रणाम पुनः पुनः प्रेषित करता हूँ। कल ही मध्यान रात्रि कथा को पंजाब में विराम हुआ और अभी तक एक क्षण का अल्प विराम लिए बिना अविराम चल रहे हैं और अभी आगे चलना है, क्योंकि भस्मारती प्रातःकाल 2:30 बजे उज्जैनी पहुंचना है। तो बड़े भाव और प्रेम से आपको यही मंदिर परिसर में प्रणाम करके
पुराने साधकों का दीदार हो रहा है मुझे, सबको वंदन करते हुए। और जो कल हमारे साथ चलना चाहें, खजरानंद रंजीत हनुमान जी महाराज और अन्नपूर्णा, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लगभग दोपहर के बाद हम तीनों स्थलों का दर्शन करने के लिए अग्रसर होंगे। अतिभाव और प्रेम सहित आप सभी के श्री चरणों में मेरे पुनः पुनः प्रणाम, पुनः पुनः वंदन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। और यही गाते हुए प्रस्थान करेंगे। ये मेरी अर्जी